ये कहानी है ब्रेंडन की, जो कि एक सेक्स और प्रॉन एडिक्ट है। सुबह से लेकर शाम तक बस यही उसके दिमाग में चलता रहता है। एक दिन उसकी बहन अचानक से उसके साथ आके रहने लगती है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। इस मूवी का नाम है शेम। मूवी शुरू होती है 30 साल के ब्रेंडन को दिखाते हुए, जो कि न्यूयॉर्क सिटी में एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता है। ब्रेंडन एक सेक्स एडिक्ट है। वो सुबह उठ के पहले हिलाता है, वो दिन भर इसके बारे में सोचता रहता है। हालांकि जब वो घपा घप नहीं भी कर रहा होता तब भी इसके बारे में सोचता है। वो ऑफिस के अपने वर्क कंप्यूटर में गंदी वीडियोस देखता है और कई बार तो ऑफिस के वॉशरूम में हिलाता है। ऑफिस जाते टाइम और ऑफिस से आते टाइम लड़कियों को गंदे नजर से घूरता है। रात को क्लब जाता है लड़कियों के साथ घपा घप करने के लिए, और अगर उनसे भी उसका मन नहीं भरता तो वो लड़कियों को घर पर बुलाकर उससे अपना मन भरता है। उसकी एक बहन भी है जिसका नाम है सिस्सी। सिस्सी लॉस एंजलिस में रहती है और पिछले कई दिनों से वो ब्रेंडन को कॉल कर रही है, पर ब्रेंडन किसी वजह से उसको इग्नोर कर रहा है। एक दिन ऑफिस जाते टाइम वो मेट्रो में एक लड़की को देखता है। आगे से वो लड़की भी उसे देख रही होती है, पर कुछ ही देर में वो लड़की समझ जाती है कि ब्रेंडन के इरादे कुछ ठीक नहीं है, और अपना स्टॉप आते ही वो जल्दी से निकल के वहाँ से चली जाती है। ब्रेंडन भी मेट्रो से निकल के उसका पीछा करने लगता है, मगर वो लड़की भीड़ में कहीं खो जाती है। ऑफिस में ब्रेंडन के बॉस का नाम था डेविड। हालांकि डेविड उसका बॉस था, लेकिन दोनों काफी फ्रेंडली थे। ऑफिस के बाद वो दोनों अपने और भी कुछ दोस्तों के साथ क्लब जाते हैं, जहाँ डेविड एक लड़की से फ्लर्ट करने लगता है, मगर वो लड़की डेविड को नहीं बल्कि ब्रेंडन को पसंद करने लगती है। दोस्तों, भले ही ब्रेंडन का नजर गंदा था, मगर उसका पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका काफी चार्मिंग और सोफिस्टिकेटेड था, जिससे लड़कियां पहली नजर में उसको पसंद कर लेती थी। क्लब से निकलने के बाद वो लड़की ब्रेंडन को लिफ्ट देती है और दोनों एक सुनसान जगह पे खपा खप करते हैं, जिसके बाद वो अपने अपार्टमेंट लौटता है और देखता है कि अपार्टमेंट पहले से खुला है। वो एक बेसबॉल बैट उठा के धीरे धीरे आगे बढ़ता है और देखता है कि उसकी बहन सिस्सी आई हुई है। दोस्तों, सिस्सी लॉस एंजलिस में एक सिंगर थी और अभी न्यूयॉर्क में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होने वाली थी, मगर रिसेंटली उनका ब्रेकअप हो गया था और सिस्सी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं था। वो ब्रेंडन से कुछ दिन के लिए उसके अपार्टमेंट में रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है और कहती है मैं सोफे पर सो जाऊंगी। दोस्तों, ब्रेंडन के लिए अपना सेक्स लाइफ और प्राइवेसी बहुत ही ज्यादा मैटर करता था, बट क्योंकि सिस्सी उसकी खुद की बहन थी, इसलिए वो ना चाहते हुए भी मान जाता है। अगले दिन सिस्सी न्यूयॉर्क के एक क्लब में गाना गाने वाली थी, जहां वो ब्रेंडन को वहां आके उसका गाना सुनने के लिए इनवाइट करती है। ऑफिस के बाद ब्रेंडन डेविड को लेके सिस्सी के क्लब पहुंचता है, जहां वो गाना गा रही होती है। उसका गाना सुन के ब्रेंडन काफी इमोशनल हो जाता है। गाना खत्म होने के बाद वहां के सारे लोग सिस्सी की तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद सिस्सी भी ब्रेंडन और डेविड को ज्वाइन करती है और तीनों ड्रिंक करके अपने अपने लाइफ के बारे में बातें करने लगते हैं। इसी दौरान डेविड सिस्सी के साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे ब्रेंडन काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, मगर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर वहां से निकल के तीनों ब्रेंडन के अपार्टमेंट जाते हैं, जहां डेविड और सिस्सी उसे बिना कुछ कहे उसके रूम में जाके लव लपाटा करने लगते हैं। ब्रेंडन बाहर से उनका आवाज सुन सकता है, उसे काफी गुस्सा भी आता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता क्योंकि डेविड उसका बॉस है। इसीलिए वो बाहर जॉगिंग के लिए चला जाता है। वापस लौटने के बाद वो देखता है कि डेविड और सिस्सी घर पर नहीं है। वो बेडशीट चेंज करके फटाफट सो जाता है। कुछ देर बाद सिस्सी घर लौटती है और उसके पास जाके लेट जाती है। इससे ब्रेंडन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्ला के उसे रूम से बाहर जाने के लिए कहता है। अगले दिन ऑफिस में ब्रेंडन उसकी एक कलीग मरियन के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। मरियन भी पहले से ब्रेंडन को पसंद करती थी, इसलिए वो भी इंटरेस्ट दिखाती है। ब्रेंडन आज रात उसे डिनर के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान भी जाती है। ऑफिस के बाद दोनों एक फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं और अपने अपने लाइफ के बारे में बातें करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हाल ही में ही मरीन का डिवोर्स हुआ है। ब्रेंडन का इरादा तो कुछ और था, मगर मरीन के ऊपर वो खुद का मूव चलाने से खुद को रोकता है। दोनों काफी सारे बातें करते हैं और अपने अपने घर लौट जाते हैं। घर लौटने के बाद ब्रेंडन सीधा बाथरूम में जाके हिलाने लगता है, मगर तभी अचानक सिस्सी उसे ये करते हुए देख लेती है। उसे बाहर ब्रेंडन की लैपटॉप मिलती है, जिसमें गंदे वीडियोस होते हैं और एक लाइव वेबकैम में एक लड़की परफॉर्म भी कर रही थी। तभी ब्रेंडन आके लैपटॉप को बंद कर देता है और उसके ऊपर स्पाई करने के लिए, उसका प्राइवेसी खत्म करने के लिए जो मन में आया उसे सुनाने लगता है। सिस्सी उसे माफी भी मांगती है, मगर ब्रेंडन उसके ऊपर काफी चिल्लाता है, जिससे अपसेट होकर सिस्सी अपार्टमेंट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद ब्रेंडन अपने लैपटॉप के साथ साथ सारे सीडीज, मैगजीन और सेक टॉय को एक थैली में भर के डस्टबिन में फेंक देता है। अगले दिन ऑफिस में जाके ब्रेंडन सीधा मरियम से मिलता है और उसको किस करता है। फिर दोनों एक बढ़िया होटल रूम में जाते हैं, जहां ब्रेंडन मरियम से छुप के पाउडर लेता है, जिसके बाद दोनों बिस्तर गर्म करने लगते हैं। मगर ज्यादा पाउडर लेने के कारण ब्रेंडन उसे पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, जिससे वो डिसअपॉइंट होकर वहां से चली जाती है। पाउडर का असर खत्म होने के बाद ब्रेंडन वहां एक लड़की को बुलाता है और अपने आप को सेटिस्फाई करता है। फिर वो घर आके कार्टून देख रहा होता है, तब सिस्सी बाहर से आती है। वो डेविड को
कॉल करने की कोशिश कर रही थी। ब्रेंडन उसे कहता है तुम डेविड से दूर रहो क्योंकि वो मेरा बॉस है और उसका एक फैमिली भी है। सीसी उससे माफी मांगती है मगर ब्रेंडन और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। वो कहता है मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगी लेकिन तुम कल ही इस घर को छोड़ के यहाँ से चली जाओगी। सीसी कहती है तुम मेरे भाई हो, हम फैमिली है, हमें एक दूसरे की देखरेख करनी चाहिए। ब्रेंडन कहता है आज तक तुमने कब मेरी देखरेख की है, तुम्हारे पास न रहने के लिए घर है न रियल जॉब है, तुम तो खुद की साफ सफाई भी नहीं कर सकती, तुम मेरे ऊपर एक बोझ हो जो मैं अब उठा नहीं सकता, तुम्हारे लिए इस घर में अब और कोई जगह नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और एक बार में जाके एक लड़की से मिलता है। वो उसे गंदी गंदी बातें करके उसे उकसाता है और उसके साथ चलने कहता है मगर तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है मगर ब्रेंडन उसके साथ एक साइको की तरह बात करता है और कहता है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत गंदी गंदी चीजें करने वाला हूँ। ये सुन के उसके बॉयफ्रेंड का आतमाजी सटक जाता है और वो उसे वहीं पटक कर पीट देता है। इसके बाद वो एक दूसरे क्लब में एंट्री करने की कोशिश करता है मगर वहाँ उसको एंट्री नहीं मिलती। फिर रोड की दूसरी तरफ उसे एक गे क्लब दिखता है। वो इतना फ्रस्ट्रेटेड था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो उस क्लब में जाता है और लड़की के साथ लव लपाटा करने लगता है। इसी बीच लगातार उसे सीसी का कॉल और वॉइस मेल आ रहे थे जिसमें उसे सीसी कॉल पिक करने के लिए लिटरली गिड़गिड़ा रही थी मगर ब्रेंडन फिर भी उसका कॉल रिसीव नहीं करता। वो एक चीप होटल में जाता है जहाँ वो दो लड़की के साथ एक साथ घपाघप करता है। इसके बाद मॉर्निंग में वो मेट्रो में अपने घर लौटता है जहाँ एक जगह ट्रेन को रोक दिया जाता है क्योंकि आगे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था। ये देख के ब्रेंडन को फाइनली थोड़ा सेंस आता है और ट्रेन से निकल के वो भागते हुए अपने घर जाता है। वो रस्ते में बार बार सीसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था मगर सीसी की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। वो बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और घर पहुंच के देखता है कि सीसी ने अपना हाथ काट लिया है और वो पूरी तरह खून से लथपथ है। वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करता है। वहाँ उसका इलाज चलता है और कुछ देर बाद सीसी होश में आती है। ब्रेंडन उसे माफी मांगता है और अकेले में जाके काफी रोने लगता है क्योंकि अब वो समझ चुका था उसका सेल्फिशनेस, फैमिली के प्रति इग्नोरेंस और उसकी बुरी आदतों की वजह से सीसी आज मरते मरते बची है। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है और आज के बाद वो खुद को बदलने के लिए ठान लेता है। और अगले दिन ऑफिस जाते टाइम ब्रेंडन फिर से उस मेट्रो वाली लड़की से टकराता है लेकिन इस बार पहले वो लड़की ब्रेंडन के साथ फ्लर्ट करने के लिए आगे बढ़ती है मगर ब्रेंडन अब सुधर चुका था। वो नोटिस करता है उस लड़की के हाथ में एक एंगेजमेंट रिंग है और वो उसको कोई भी रिएक्शन नहीं देता। और दोस्तों मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।